हिंदू राष्ट्र स्थापन व्हावी यासाठी हिंदू जनजागृती समितीतर्फे गोवा येथे दशम अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात प्रमुख वक्ते तथा लष्कर ए हिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल यांनी देखील या विषयावर प्रबोधन केले. जिहादी मानसिकता इस्लामिक आतंकवाद की समस्या तो पूरे विश्व को नजर आती है और हम भारतीयों को भी नजर आ रही है, परंतु उससे भी खतरनाक, उससे भी ज्यादा डेंजरस अगर एक कोई है तो वो अर्बन नेक्सल समस्या भारत के अंदर है, उसे हमें समझना होगा. आज ही की न्यूज है, आप सब अपने अपने मोबाइल चेक करिए, उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा में पुलिस ने उन आंदोलनकारियों जिहादियों के ऊपर कार्रवाई की, उनके विरुद्ध भारत के मुख्य न्यायाधीशों को 12, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, और उन वकीलों ने पत्र लिखा है कि यूपी सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध आप एक्शन लीजिए. मतलब पत्थर चलाना, दुकानें जलाना, हिंसा करना, मानवता के विरुद्ध आचरण करना आपका अधिकार है, और अगर उस पर पुलिस कार्रवाई करे तो आप सर्वोच्च न्यायालय के जज को पत्र लिखेंगे, न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे, किसकी जीव. मैं उनको कहता हूं, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए. ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इनको भारत में जहां कहीं भी आप देखें, इनकी सभाएं करें, इनको काला झंडा तो आप दिखाई सकते हैं. आप इनका प्रतिकार करिए कि नहीं, आप सभा करेंगे तो हम काला झंडा दिखाएंगे, उनकी सभा नहीं होगी, ये मेरा अनुभव है. बीच में वो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री बॉम्बे में एक मीटिंग करने वाला था, मुझे पता चला तो मैंने लश्कर ए हिंद के पत्र पे कुछ संबंधित पुलिस स्टेशन को लेटर लिखा कि ये वहां अगर जो रैली करेगा तो मैं इसको काले झंडे दिखाऊंगा. तो पुलिस वाले ने उसको भी 149 का नोटिस दिया, मुझे भी दिया कि आप कुछ नहीं करोगे. मैंने कहा ये भी नहीं करेगा, बोले इसको नहीं करने देंगे, बस मेरा काम हो गया.